नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने पिक्सल लैब में कस्टम फॉन्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, सो गाइज, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। उससे पहले आप जान लीजिएगा कि आप जो है कस्टम फॉन्ट क्या होते हैं और उसे कैसे यूज किया जाता है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो गाइज, ये जो है कस्टम फॉन्ट वो फॉन्ट होते हैं जो कि दोस्तों आपको अलग से ऐड करने होते हैं। मान लीजिए अगर आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उसमें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो फॉन्ट होते हैं वो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होते हैं जो कि ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है मैं माई फॉन्ट के ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पर दोस्तों जो है आपको मैं कस्टम फॉन्ट ऐड करके दिखाऊँगा, जिससे आपकी थंबनेल जो होती है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लिकेबल थंबनेल बन जाएगी। तो गाइज, आज की वीडियो जो है आप शुरू से लेके एंड तक जरूर से देखते रहिएगा। आपको वीडियो में जो है स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आप जो है उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें दोस्तों जो पासवर्ड रहेगा वो जो है वीडियो में कहीं भी आ सकता है। तो वीडियो को जरूर से पूरा देखिएगा, यही जो है मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। तो गाइज, यहाँ पर दोस्तों मैं जो है फटाफट से यहाँ पर पिक्सल लैब में जाता हूँ। पिक्सल लैब में जाने के बाद में हमने जो है यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं जो है यहाँ पर ऐड करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जैसे ही यहाँ पर मान लीजिए मैं थ्री डॉट पर जाता हूँ और थंबनेल साइज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर थंबनेल साइज सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों मैं जो है कलर वगैरह सारा कुछ ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही ऐड करूँगा उसके बाद में हमें जो है यहाँ पर फॉन्ट को यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मैं सब्सक्राइब लिख देता हूँ इस तरीके से। जैसे ही मैं सब्सक्राइब लिखूँगा तो उसके बाद में मैं जो है इसके फॉन्ट चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही दोस्तों मैं जो है यहाँ पर क्लिक करूँगा तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो फॉन्ट है वो काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जो है स्लाइड करने के बाद में यहाँ पर फॉन्ट वाले बटन पर जाता हूँ। अब गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होते हैं वो दोस्तों ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। तो अब आपको यहाँ पर माई फॉन्ट पर जाना है। एंड गाइज, माई फॉन्ट पर आने के बाद में अगर आपके पास कोई एक फॉन्ट है तो आप यहाँ पर टी वाले सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर फाइल वाले फोल्डर पर यहाँ पर ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपकी फ़ाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जैसे दोस्तों यहाँ पर फाइल ओपन हो, उसके बाद में आपको यहाँ पर उस फोल्डर को चूज़ करना है जिस फोल्डर में आपके यहाँ पर फॉन्ट देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा इस तरीके से यहाँ पर मैं जो है एक फोल्डर को चूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद में ऐड डायरेक्टरी पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे दोस्तों मैं जो है इस पर क्लिक करूँगा उसके बाद में हमारे फ़ोन में कस्टम फॉन्ट यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अब गाइज, यहाँ पर दोस्तों मैं जो है आपको बताने वाला हूँ, आप देख सकते हैं हमारा थंबनेल जो है बहुत ही अच्छा बनने वाला है। अब गाइज, यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे यहाँ पर फॉन्ट देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से मैं जो है यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। आप जो है अपने फ़ोन में ये सब कर सकते हैं। तो गाइज, अब जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब आपको ये फॉन्ट कहाँ से डाउनलोड करने हैं। तो गाइज, यहाँ पर मान लीजिए मैं जो है फॉन्ट को यहाँ पर ओके कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फॉन्ट इस तरीके से दिखेंगे। इसे मैं जो है यहाँ पर कई तरीके से चेंज भी कर सकता हूँ, यहाँ पर हर तरीके से। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर स्टाइलिश फॉन्ट यहाँ पर इस तरीके से बनाऊँगा तो हमारी जो थंबनेल है बहुत ही अच्छी यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगी। यहाँ पर जो है कई तरीके के यहाँ पर आपको फॉन्ट देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज, अब आपको जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आ जाना है, और वहाँ पर आ जाने के बाद में आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होने लग जाएगा। जिस तरीके से ये जो इंटरफेस आपको शो होने लग जाए उसके बाद में आपको यहाँ पर डाउनलोड वाला जो सेक्शन देखने को मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके फ़ोन की सारी जीमेल आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपको ओके कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप ओके करेंगे तो आपके फ़ोन में ये जो फाइल है ये डाउनलोड होने लग जाएगी, और इससे दोस्तों आप जो है अपने फ़ोन में यहाँ पर अच्छी तरीके से कस्टम फॉन्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पर एक कोई सॉफ्टवेयर जो होता है उसे जिप फाइल हो गया या फिर एचीवर हो गया, जो कि दोस्तों आपको जो है उसे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में आपको जो है यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में आपको यहाँ पर पिक्सल लैब एप्लीकेशन में जाना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर फॉन्ट वाले सेक्शन में जाना है, और उसके बाद में यहाँ पर माई फॉन्ट वाले सेक्शन में आना है,
और उसी के बाद में यहाँ पर आपको फाइल वाले फोल्डर में चले जाना है, और वहाँ पर जाने के बाद में आपको कस्टम फॉन्ट जिस फोल्डर में आपके हों आप जो है उसको सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, आपको इस तरीके से कर लेना है। सो गाइज़ आज की इस वीडियो में आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि आप अपने फ़ोन में कस्टम फॉन्ट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर दीजिए। सो गाइज़ मिलते हैं किसी दूसरी नई वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।